एमएम का कपलर है, तो ATS, ये कितना 80 mm का? 80 mm का। अच्छा, ये 80 mm का लेंथ में, इसका थ्रेडिंग कितना नंबर? 13 नंबर। तो उसका काउंटिंग कैसे होना चाहिए वो टेप से भी पता चलेगा क्या? तो 40 है या नहीं देखो, 80 mm है तो उसका 40 mm थ्रेडिंग होना चाहिए। 40 mm आया ना ये? अच्छा, और ये 40 mm में कितना थ्रेडिंग होना है नंबर्स? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब पूरा 13 आना चाहिए। इसका नंबरिंग क्या कुछ ऐसा रहता है क्या? अच्छा, ये 32 mm का कितना? 13 पीस हो गए, ये 80 है तो 13 इसका थ्रेडिंग होना चाहिए। अभी यही हम 25 का बात करेंगे, तो 25 mm का कपलर है, तो ये कितना है? 65 mm। अच्छा, 65 mm में अभी इसका थ्रेडिंग कितना mm होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, अभी ये हमारा कौन सा डाया का है? 16 mm डाया, तो इसका कपलर कितना साइज है? 45, तो इसका थ्रेडिंग कितना होना चाहिए? 8। 45 का आधा कितना हो जाएगा? देखो कितना आया, तो इसमें दिखा दीजिए ना, ये खुले 100 mm से दिखाएगा, 100 mm काट के। हाँ, 45 का आधा है यहाँ पर। ये नंबरिंग कितना होना चाहिए नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो इसका ये जो मापते हो किधर से मापते हैं हम लोग? जो ऊपर ऊपर आया उससे क्या? ये तो अपना क्या है ना, हाँ वो बोला ना 45 mm, हाँ उसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, हाँ तो ये इधर तक आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा लॉक करना पड़ता है क्या? लॉक करना पड़ता है। और ये अभी कपलर एक माप, ये पूरा फिनिश होना चाहिए क्या? हाँ, ये पूरा इधर से आना चाहिए, पूरा फिनिशिंग जैसे आपने 32 का किया वैसा। हाँ, वैसा। Ha ha ha.